सभी को नमस्कार दोस्तों, द हिंदू करंट अफेयर में आपका स्वागत है। और आज हम प्री और मेंस के हिसाब से बहुत शानदार जो टॉपिक है देखने वाले हैं। डेली न्यूज़पेपर पर इतना कंटेंट नहीं आता कि मैं डेली ये वीडियो बना पाऊँ, इसलिए मैं 2-3 दिन से अच्छा कंटेंट जब हो जाता है तो उसी के हिसाब से ये वीडियो बनाता हूँ। और एक कमेंट और है कि कितने दिन तक आपको करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, तो आप 15-20 अप्रैल तक इनको पढ़ सकते हो, ठीक है। और इस पर डिपेंड करेगा कि यदि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, आपके लगभग टॉपिक कवर हो चुके हैं, तो आप कंटिन्यू भी अपना न्यूज़पेपर कर सकते हो, ठीक है। बीच में छोड़ना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि मेंस की भी आपको एग्ज़ाम देनी है, तो वो आप पर डिपेंड करता है। जैसे आपके पास टाइम कम है, न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम ही नहीं है, बाकी जो टॉपिक है उनको ज़्यादा टाइम देना है, तो आप न्यूज़पेपर स्किप कर सकते हो इस समय, ठीक है। ये दोनों बातें हैं, आप पर डिपेंड करेगा। तो आगे बढ़ते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है ये है पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में। अभी पार्लियामेंट में ये चीज़ें चर्चा में रही थी, तो क्वेश्चन इसका बन सकता है प्री के अंदर कि इसमें क्या क्या प्रोविजन है, कौन से मंत्रालय के अंडर में आता है, किन के लिए योजना ये स्कीम बनाई गई है। और मेंस के एग्जाम में भी ऐसा कोई टॉपिक आता है, सोशल जस्टिस का कोई टॉपिक आए, तो उसमें आप अपनी तरफ से भी जो गवर्नमेंट स्कीम है एग्जाम्पल के तौर पर, समाधान के तौर पर आप बता सकते हो। तो अभी क्या हुआ था कि हाल ही में जो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय हैं, उसने राज्यसभा में बताया कि जो पीएम स्वनिधि स्कीम है उसके तहत जो स्ट्रीट वेंडर है उनके लिए बनाई गई है। तो इनके लिए लगभग 42 लाख जो ऋण है वो आवंटन किए गए थे, जिसकी राशि टोटल है 5000 करोड़। और इनमें से 9.3% अल्पसंख्यक समुदाय है, उनके लिए ये ऋण दिया गया था। तो ठीक है, ये स्कीम किसके लिए आपको पता लग गया। और इस स्कीम में क्या है कि जो एक तरह से आप कह सकते हो जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, फेरी वाले होते हैं, ठीक है, जो रेडी पटरी वाले होते हैं, उनके लिए क्या है, एक तरह से आप कह सकते हो छोटे से एक ऋण की व्यवस्था की गई है, ठीक है। इसमें प्रोविज़न ये है कि जैसे उसमें 10,000 तक का जो ऋण है, जैसे 10,000 तक का ऋण है, उसमें कोई उनको कोलेटर रखने की आवश्यकता नहीं है, यानी कोई उनको जमानती जो कागजात है वो रखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में जैसे आगे है कि 20,000 से लेकर 50,000 तक जो ऋण होगा, ठीक है, 10,000 तक जो ऋण होगा, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो इसमें कोलेटर की आवश्यकता नहीं है। और आगे जो 20,000 से लेकर 50,000 के बीच में जो ऋण होगा, उसमें 7% ब्याज की इसमें सब्सिडी का भी प्रोविज़न किया गया है। तो मुख्य रूप से क्या है ये स्कीम किसके लिए, पीएम स्वनिधि किसके लिए, ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक माइक्रो क्रेडिट योजना है। किन के लिए, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए है। कितना इसमें ऋण की व्यवस्था की गई है वो आगे वो डिटेल में इसको हम देख लेंगे, ठीक है। तो बेसिक आपको ये पता लग गया कि किस मंत्रालय की है, ये मंत्रालय भी कौन इसको चला रहे इस स्कीम को, ये पता होना चाहिए, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। तो 3-4 फैक्ट आपको यहाँ पे ध्यान में होने चाहिए, जब भी स्कीम प्रीलिम्स में आ जाए तो आसानी से इसको आप एलिमिनेट करके क्वेश्चन को करके आप कर सकते हो अपने ऑप्शन को देख के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इस स्कीम के बारे में पूरी डिटेल और जानते हैं, ठीक है। आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो जो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि है, पीएम स्वनिधि, इसका फुल नेम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये विशेषकर हमने देखा कि जो हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान है उसके तहत जो आर्थिक प्रोत्साहन सेकंड है उसके हिस्से के रूप में इसको घोषित किया गया था, ठीक है। जैसे आपने देखा गाँव में किसानों के लिए बहुत सारी स्कीम है, ऋण की व्यवस्था है, सस्ते जो ऋण है, ठीक है, संस्थागत ऋण है, उनकी व्यवस्था की गई है। उसी तरह शहरों में भी मतलब इन चीज़ों की व्यवस्था की गई है। विशेषकर हमने देखा कि COVID-19 से हमारी इकोनॉमी काफ़ी प्रभावित हुई, विशेषकर शहरों की प्रभावित हुई, तो उनके लिए ये व्यवस्था अच्छे से की गई है। तो इसे जून 2020 में इसको लागू किया गया था, ठीक है, ये उसी समय का टाइम था, कोविड का टाइम था, तो ये भी पता होना चाहिए कब इसको लागू किया गया था। तो इस समय आपने देखा कि जो स्ट्रीट वेंडर उनकी जो आजीविका है, मतलब काफ़ी उनको नुकसान हुआ, तो कहीं ना कहीं फिर से उनको एक कार्यशील पूंजी मिले, ठीक है, सस्ता ऋण उनको मिले, इसके लिए इसका प्रोविज़न किया गया था। और ये कौन सी है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, याद रखना इस बात का, ये भी फैक्ट बन सकता है, ठीक है। और ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित योजना है, ठीक है। उद्देश्य क्या है, वही कार्यशील पूंजी की व्यवस्था इसमें की गई है, और एक तरह से मतलब डिजिटल लेन देन, इसमें कई सारे प्रोविज़न ऐसे किए गए हैं, ठीक है। तो ये इस स्कीम के बारे में आपको जानना चाहिए, सारी चीज़ें इसमें लिख दी गई है, ठीक है। लोन की व्यवस्था भी इसमें देखो आप, लोन की प्रोविज़न भी है, 10,000 से लेकर 50,000 रुपये तक इसमें लोन की व्यवस्था है। और ये एक तरह से आप कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, वित्तीय समावेशन को लेकर कई बार मुद्दे चर्चा में रहते हैं, तो इसमें भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और क्वेश्चन मेंस में कैसे आते हैं, जैसे मेंस का ये क्वेश्चन देखो आप, 2021 का ये क्वेश्चन है कि क्या लैंगिक असमानता, गरीबी और कुपोषण के दुष्चक्र को महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस प्रदान करके तोड़ा जा सकता है। अब देखो, आपको स्वयं सहायता समूह के लिए यदि कोई सूक्ष्म वित्त व्यवस्था या माइक्रो फाइनेंस की व्यवस्था पता ही नहीं है आपको, तो इस क्वेश्चन में उदाहरण देके आप क्या लिखोगे। इसी तरह से ये क्वेश्चन आ जाए, जैसे शहरों में कोविड-19 की समस्याओं को लेकर, बेरोजगारी की समस्याएँ या
आजीविका की जो समस्या देखने को मिली है उसके अंदर जो ये पीएम स्वनिधि स्कीम है वो कितना बड़ा रोल निभाएगी, ऐसा ही क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा, तो आपके पास कम से कम ये चीज़ें लिखने के लिए होनी चाहिए। तो ये टॉपिक ना केवल प्री के लिए बल्कि मेंस में भी काम आएंगे, बहुत ज़्यादा काम आएंगे। और ये प्रैक्टिकल स्टडी है ना कि कैसे इंगेज करना है अपने आंसर के अंदर, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और प्री के अंदर भी देखो पहले स्कीम के क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसके क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और स्टैंड अप इंडिया स्कीम है उसके क्वेश्चन आ चुके हैं, और भी बहुत सारी शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर बहुत सारे ऐसे स्कीम ऑलरेडी यूपीएससी प्री में क्वेश्चन आ चुके हैं। इसी तरह से ये फ्रेम हो जाएगा। ठीक है, तो प्री और मेंस के आपने क्वेश्चन देखे, कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं तो पढ़ते समय आपका ये मन में आइडिया होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, कैसे इस टाइप के जो टॉपिक है पहले उनसे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये आइडिया आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आगे बढ़े उससे पहले जैसे मैंने कई बार आपको बताया, जो अपनी वेबसाइट है ना इस पर मैंने ऐसे ही एमसीक्यू बहुत सारे बना दिए हैं, मतलब जैसे चैप्टर वाइज जो एमसीक्यू होता है ना, हिस्ट्री की पूरी एनसीईआरटी जितनी 6 से लेकर 12 तक है ना, इसके पूरे एमसीक्यू आपको मिलेंगे। 12th वाले आज अपलोड कर दूंगा, 6 से लेकर 8 तक वहाँ पे है, लक्ष्मीकांत बुक है, पॉलिटी की है, इकोनॉमी की जो एनसीईआरटी है उनके चैप्टर वाइज एमसीक्यू है जो आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, आप जाके देख सकते हो। सेकेंड टॉपिक, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा चर्चा में आजकल, ठीक है, वाटर कॉन्फ्रेंस, यूएन वाटर जो कॉन्फ्रेंस है ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है, और ये आपके कहाँ कहाँ काम आएगा, ये आपके प्री में भी काम आएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी संस्थाएं चर्चा में रही है कब क्या हुआ। ठीक है, और मेंस के अंदर आपके काम आएगा एसए के पेपर में भी, और GS2 और GS3 मतलब वहाँ पर काम आएगा, इससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनने की संभावना है क्योंकि ये कई सालों बाद में हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो जल हमारे लिए कितना महत्व रखता है, उसको उसके संरक्षण को लेकर जब भी ऐसे कोई कन्वेंशनल प्रोग्राम होते हैं ना तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, तो 2 दिन से ये द हिंदू में आर्टिकल लगातार आ रहा था, 2-3 आर्टिकल का ये सार एक तरह से आप देख सकते हो। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र राष्ट्र जल सम्मेलन है, इस पर क्या हुआ है, इसमें क्या निकल के आया है, तो अभी 22 और 24 मार्च के बीच में जो संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन है, ठीक है, ये बात पहले 46 वर्षों पहले हुआ था, अभी 46 वर्ष के बाद में इसकी बैठक हुई है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि जैसे इसमें जो निकला है, जो भी चीज़ें निकल कर आई है कि जी जैसे सतत विकास के लिए जल 2018-28 ये इसका मतलब शीर्षक की एक रिपोर्ट थी। ठीक है, और इसमें बताया गया कैसे मतलब हमें जल को बचाना है, कैसे हमें हमारे जो टारगेट है, आपने देखा कि जो हमारा SDG लक्ष्य कौन सा है, जल वाला कौन सा लक्ष्य है आप पता होना चाहिए, SDG लक्ष्य 6 है याद रखना। ठीक है, SDG लक्ष्य 6 क्या बात करता है, पानी की और स्वच्छता की बात करता है। तो जैसे ये SDG लक्ष्य जो 17 लक्ष्य हैं ना, ये याद होनी चाहिए आपके टिप्स पर होनी चाहिए, क्योंकि मेंस के एग्जाम में चाहे आप निबंध का पेपर ले लो या GS के पेपर ले लो, वहाँ पे कोई ना कोई टॉपिक ऐसा होगा जो इंगेज करेगा या उससे रिलेट होगा अपने SDG लक्ष्यों से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, तो ये चीज़ें ध्यान रखना कि इसका टारगेट ये भी कि हमारा टारगेट है 2030 तक की SDG जो लक्ष्य है स्वच्छ पानी सभी तक पहुँचना, ये भी हमें अचीव करना है। और जल की समस्या ऐसी है कि जो स्थानीय समस्या है, हर एक क्षेत्र में आप अलग अलग समस्याएं देखने को मिलेगी जल को लेकर, कहीं बाढ़ की समस्या है तो कहीं सूखे की समस्या है, कहीं ग्राउंड वाटर जो क्राइसिस है, कहीं पेयजल की समस्याएं हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और जिनका समाधान क्या होता है कि स्थानीय होता है, वो स्थानीय क्लाइमेट के हिसाब से जो पारितंत्र उसके हिसाब से समाधान हो सकता है। तो इसमें एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि इसमें काफ़ी चर्चा की गई थी कि विश्व स्तर पर जो रोल मॉडल है, देश कह सकते हैं या समाज कह सकते हैं, जहाँ पे जल को लेकर काफ़ी अच्छे प्रयास किए हैं, तो इनका जो नॉलेज है ना वो कैसे एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि इन समस्याओं का समाधान हमें वैश्विक स्तर पर मिल सकता है यदि हम सब लोग आपस में कनेक्ट होते हैं, बातचीत करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को हम सुलझा सकते हैं। तो ये बातें इसमें काफ़ी चर्चा में की गई। आगे बढ़ते हैं, इसकी थीम देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन की थीम क्या है, यहाँ पे देखना आप, अवर वाटर सेड मूवमेंट, जल के लिए विश्व को एकजुट करना। देखो यही बात है कि कैसे हम सब मिलकर समस्याओं को मिटा सकते हैं, समाधान निकाल सकते हैं। तो इसका उद्देश्य वही है कि अंतर्राष्ट्रीय जल संबंधी लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति में सहयोग करना, और SDG लक्ष्य हमने देखा था जो 6 है उसको ध्यान रखना, उसको हमें अचीव करना है। साथ में जैसे ये जो कॉन्फ्रेंस है ना, इसमें बहुत सारे मुद्दे भी उठाए गए हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में बात की गई है। जैसे पहली जो अंतिम जो कॉन्फ्रेंस पहले हुई थी 1977 में आयोजित की गई थी, है ना, और इसमें ये भी है कि जैसे पानी की जो समस्या है ना वो बिखरी हुई है, हर एक क्षेत्र में अलग अलग समस्या आपको देखने को मिलेगी, कहीं बाढ़ की समस्या आती है, कहीं सूखे की समस्या आती है, कहीं प्रदूषण जल प्रदूषण की समस्या आती है, तो इनका कैसे मिलजुल के इनका हम समाधान निकाल सकते हैं, ये आर्टिकल बहुत बड़ा था, काफ़ी इसमें खुल के चर्चा की गई है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में जैसे हम जानते हैं कि सभी लोगों, चाहे उनका विकास का स्तर जो भी है, सामाजिक स्थिति जो भी हो, लेकिन ये तो ना कि
हमें उन तक पानी पहुंचाना है, स्वच्छ पानी जो पहुंचाना है, तो कैसे हम उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, कैसे जो गुणवत्तापूर्ण या स्वच्छ पेयजल उनकी व्यवस्था कर पाएं। आपने देखा कि हमारी सरकार का भी टारगेट है 2024 तक, जब मेंस में से आते हैं ना चीज़ें, तो उसमें अपनी चीज़ें बताओ जो हमारी सरकार भी अच्छा इनिशिएटिव ले रही है। ठीक है, जल जो नल का पानी है 2024 तक सभी घरों तक हमें जोड़ना है, ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम प्रैक्टिकल रूप में काम कर रही है, आपके आसपास काम कर रही है, उनको आप बता सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें और चर्चा में रही है इसमें, मुझे अच्छा लगा दो तीन एनजीओ या संस्थाएं भी इसमें आई है चर्चा में, तो उसके बारे में भी कभी हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पहले भी आए हैं, पूछे जा सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे जैसे सबको जोड़ा गया, सरकारों को जोड़ा गया, एनजीओ इसमें साथ में, बहुत सारी जो स्वैच्छिक संस्थाएँ हैं वो भी इसमें जुड़ी गई है। तो एक तरह से हमने भी देखा कि जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पेयजल सेवाओं के सुधार के लिए भारत की ओर से $50 अरब की इसमें प्रतिबद्धता शामिल है। आपने देखा होगा, अपने आसपास देखना, ये जल जीवन मिशन के तहत हमारे गांव में कैसे मतलब सुधार हो रहा है। जैसे मैं अपने आसपास की गांव की बात करूं, तो बड़ी वाली पानी की टंकी बन रही है, हर एक घर को नल से जोड़ा जा रहा है। इवन जैसे हम खेतों में रहते हैं, तो यहाँ पर भी अब ऐसा होने लगा है कि जैसे अच्छा जल पहुँचाने के लिए ऐसी कोशिश की जा रही है कि हर एक घर तक मतलब पाइपलाइन बिछाने की बात चल रही है, प्रैक्टिकल रूप से देखा जा रहा है। तो ये चीज़ आप मतलब बताना, प्रैक्टिकल चीज़ आप अपने आंसर में लिखोगे तो ज़्यादा मतलब आपके मार्क्स आएंगे, देखना इस बात को लेकर। तो इसके लिए और भी चीज़ें हैं कि कैसे हम जो अपशिष्ट जल है उसका उपचार कर सकते हैं नवाचार के माध्यम से, क्योंकि जल सीमित है ना, कैसे हम बचा सकते हैं, बूंद बूंद पानी बचा के कैसे उनका प्रबंधन कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी चर्चा की गई है। ज्ञान साझाकरण की बात है, वही बात है ना कि कैसे हम क्रॉस लर्निंग इसको कह सकते हैं, कि एक दूसरे के जो अच्छे गुण है या एक दूसरे के जो समाधान के बिंदु है कैसे हम सीख सकते हैं, उनकी बात भी यहाँ पर काफ़ी चर्चा में की गई है। ठीक है, और इसके अंदर एक चीज़ जैसे ये देखना आप, W12+ blueprint, ये चर्चा में रहा। देखो ऐसे इनिशिएटिव आपने देखा होगा प्री में एकदम डायरेक्ट आते हैं, अब देखो इस साल प्री में ये आ जाए कि ये W12+ blueprint क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक यूनेस्को का प्लेटफॉर्म है, यूनेस्को का एक प्लेटफॉर्म है जो विशेषकर जो शहर है उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान निकालता है, टेक्नोलॉजी से या लोगों के जो कॉमन ज्ञान है या समस्याएं हैं उनका समाधान निकालता है। तो ये याद रखना, ये क्या है, W12 जो ब्लूप्रिंट है वो शहर की प्रोफाइल की मेज़बानी करने वाला एक यूनेस्को का मंच है। ये क्या करता है, कार्यक्रमों, तकनीकी चीज़ों, नीतियों के मामलों का अध्ययन करता है जो आम जल सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करता है। तो ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है जो इस दिशा में काम कर, शहरों की जो पानी की समस्याएं हैं या जो अन्य समस्याएं उनका मतलब यहाँ पे समाधान होता है। एक तरह से आप ये ऑनलाइन डाटा भी स्टोर करता है इन चीज़ों को लेकर एक। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, ये मुझे अच्छा लगा कि ऐसे क्वेश्चन प्री में पहले भी बार बार आ चुके हैं, आ सकते हैं। एक और इसमें है कि एक और है मेकिंग राइट्स रियल, ये एक संस्था है। ठीक है, ये प्रयास है, इसको भी हम देखेंगे थोड़ा सा कि ये क्या है। तो इसमें ये क्या है कि विशेषकर जो हाशिए पर रह रहे समुदाय महिलाएं हैं, ठीक है, उनके लिए भी यहाँ से काफ़ी अच्छा प्रयास किया जाता है। आपने देखा होगा ना कई बार जैसे गांव में विशेषकर जो पानी की समस्या आती है तो विशेषकर महिलाएं मतलब घरों से दूर दूर जाकर पानी लेकर आती है, नदियों से या कोई तालाब हो कहीं से, तो उनको काफ़ी अपनी दूरी तय करनी पड़ती है और कई सारी समस्याएँ भी उनको फेस करनी पड़ती है। तो इसके लिए इसमें अच्छा प्रयास किया जा रहा है, बहुत सारे एनजीओ है जैसे यूनेस्को है, इनके माध्यम से अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये प्रयास आप अपने निबंध में जब लिखोगे ना, जब ऐसा कोई निबंध आएगा, ऐसे का पेपर आएगा, उसमें ऐसी चीज़ें लिखोगे तो देखना आपका अलग आंसर नजर आएगा, आपके पास अच्छी चीज़ें हैं लिखने के लिए, यही आपको अंतर करेगा दूसरों से। और मैं ये मानता हूँ कि जैसे मेरे ऐसे में चारों ही मेंस में हमेशा अच्छे मार्क्स रहे हैं, मतलब वन ऑफ द टॉप मार्क्स रहे हैं ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, 157 तक मार्क्स आ चुके हैं, तो उसमें भी यही करता था, मतलब मैंने किसी से ऐसे सीखा नहीं, एक रुपया ऐसे सीखा किसी को नहीं दिया, मुझे ये पता था कि ऐसे क्या मैं हूँ। एक व्यक्ति अच्छा ऐसे कैसे लिख सकता है कि उसके अच्छे विचार होंगे माइंड से, दिल से जब विचार कागज़ पर निकलते हैं ना और जब एग्जामिनर पढ़ता है तो उससे कनेक्ट करता है कि यार क्या लिखा है और कितने अच्छे अपने आइडियाज़ होंगे, अब कैसे आंसर को इंटीग्रेट करेंगे। वही बात है जैसे एथिक्स में अच्छे मार्क्स मिले, क्यों मिले, जीएस फर्स्ट में भी अच्छे, मेंस में मतलब अच्छे मार्क्स में लगी रहा हूं कि मिले, तो मैं यही प्रयास करता हूं कि मैं एक तो कंटिन्यू न्यूज़पेपर पढ़ता हूं और वहां से मैं कोशिश करता हूं कि अपने एग्जाम्पल डाटा की एक फाइल बना लूं। मैंने कई बार अपनी डायरी वगैरह आपको साथ शेयर की कि मैं कैसे अपना समय बचाता था, कि छोटी सी डायरी जेब में रखता था। ठीक है, मेंस की एग्जाम ये बहुत काम आती है, तो वो चीज़ें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा अनुभव शेयर कर रहा हूँ। तो ये तो देखो न्यूज़पेपर कंटेंट, ये तो बड़ी बड़ी संस्थान आपको प्रोवाइड कराती है ना, लेकिन कैसे उसको आपको इंगेज करना है, कैसे आपके कम प्रयास से आपको ज़्यादा मार्क्स लाने, वो तरीका आपको यहाँ से सीखना है। डेली मैं इसी बात पर जोर देता हूँ कि आपको ये काम करना है। तो इसके अलावा और भी संस्थाएँ, जैसे ये लिख लेना अपने नोट्स में डाल लेना कि ये क्या है, और इसके अलावा वाटर फॉर वीमेन जो फंड है वो भी मतलब ऐसा काम कर रहा है स्वच्छता के लिए, जल के लिए, महिलाओं के विकास के लिए। ठीक है, ऐसे काम किए जा रहे हैं, तो इसको मैंने थोड़ा सा और डाल दिया कि क्या है।
मेकिंग राइट जो रियल है क्या है, ये स्कॉटलैंड का एक मतलब छोटा सा मतलब मानवाधिकार संगठन है जो इस दिशा में काम करता है। क्योंकि इसका सार क्या था, इस लेख का सार क्या था कि हमें जो अपने अनुभव है, अपना ज्ञान है, उनको साझा करना है दूसरे लोगों के लिए। जैसे यूरोप अच्छा है इस मामले में, आप जानते हैं उनके मानक भी अच्छे हैं, उनके पास फंड और सब चीज़ें अच्छी हैं उनके पास, तो वो पहले से इस दिशा में अच्छा काम कर चुके हैं। तो जो अपना अनुभव है उनके पास, वो अफ्रीकी देश है उनके साथ साझा करें, भारत में भी ऐसी बहुत सारी समस्या उनके साथ साझा करें, तो यही इनका काम है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब मेकिंग राइट रियल रियल इसको आप अपने मेंस में लिखोगे तो कितना अच्छा लगेगा, और प्री में भी डायरेक्ट आ सकता है ये क्या है मतलब। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक एक तरह से कह सकते हैं स्कॉटलैंड का एक क्या है, मानवाधिकार संगठन है जो इस दिशा में अच्छा काम कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक और है वाटर फॉर वुमेन, ठीक है, महिलाओं के लिए पानी, ये क्या है, तो ये भी एक तरह से क्या है, महिलाओं के लिए पानी सामाजिक रूप से समावेशी और टिकाऊ जल स्वच्छता और परियोजनाओं के माध्यम से, जैसे विशेषकर एशियाई और प्रशांत समुदायों में बेहतर स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और भलाई का समर्थन कर रहा है, ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया जो सरकार, उनका होना चाहिए मेरे हिसाब से, आगे देखते हैं लिखा होगा, ठीक है। तो हाँ ठीक है, तो महिलाओं के लिए जो ये पानी है ना, ये ऑस्ट्रेलिया सरकार का एक वास प्रोग्राम, वास मतलब वाटर सैनिटेशन हेल्थ जो है ना, आपने कई बार पढ़ा होगा वास के बारे में। तो ये उनका प्रोग्राम है, किनका, ऑस्ट्रेलिया सरकार का प्रोग्राम है। और ऑस्ट्रेलिया सरकार का ये जो अनुभव है, ये मतलब दक्षिण एशिया या जो अन्य राष्ट्र उनके लिए काम आ रहा है, तो महिलाओं के लिए पानी उनकी इनिशिएटिव है, याद रखना। तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है, ठीक है। ये वास जो वर्ड है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, वाटर सैनिटेशन और हाइजीन के लिए इस्तेमाल होता है। कई बार देखा होगा आपने WHO या यूनेस्को, इनके द्वारा ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा यूज में लिया जाता है, ठीक है। उनकी शायद इनिशिएटिव भी होनी चाहिए वास, आप देखना गूगल कर लेना इसको। तो इसमें क्या है, इसमें जैसे लैंगिक समानता है, सामाजिक समावेश, महिलाओं के लिए पानी की जो समस्या है, कुल मिलाकर वही चीज़ें कि लेक वाटर का है, तो उसमें कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही है, तो आपको एक जगह पर ये चीज़ें मिल गई, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया सरकार इसमें काफ़ी अच्छा काम कर रही है, तो उन्हीं का ये चीज़ है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा फंड वगैरह इसमें दिया जा रहा है, ठीक है। तो वाटर फॉर वुमेन ये मतलब सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो आप, ठीक है, जो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया इसमें काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है, पैसिफिक जोन में काम कर रही है, तो यह आप बता सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये कहाँ काम आएगा, देखो हमने काफ़ी चर्चा की है, हालांकि मैंने बता दिया कि आपको कैसे इसको यूज में लेना है, प्री में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन कैसे आ चुके हैं पहले तो आइडिया रहेगा थोड़ा, जैसे जल संरक्षण और जल सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित जल शक्ति अभियान की प्रमुख विशेषताएं, तो जैसे ये है, तो हो सकता है ऐसा कि जो समस्या है जल को लेकर, क्या आपके पास एग्जाम्पल है, तो वो आप बता सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। हो सकता है जैसे ये वाटर जो अभी कॉन्फ्रेंस हुई है, तो उसको लेकर एक पूरा बड़ा क्वेश्चन जी स्तर में आ सकता है, क्योंकि ऐसे कॉन्फ्रेंस के पहले भी हमने क्वेश्चन देखे हैं, चाहे आप कोप आपके जो कोप सम्मेलन होते हैं उनके भी क्वेश्चन लगातार देखे हैं हमने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये एक रिपोर्ट आई है, अच्छी रिपोर्ट है, कौन सी है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, इसमें बहुत सारी चीज़ें आई है, बहुत सारे डाटा है जो आप अपनी मेंस के एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। सोशल जस्टिस आपके GS2 का सिलेबस भी है काफ़ी बड़ा, तो वहाँ पे भी ये डायरेक्ट काम आ सकता है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, सबसे पहले मन में क्या आता है कि कौन जारी करता है, ठीक है। तो ये है सेंटर फॉर सोशल जस्टिस कॉमा कॉमन कोज एंड कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव के सहयोग से टाटा ट्रस्ट की एक फाइल है, याद रखना, इनके द्वारा पहली बार कब प्रकाशित हुई थी, 2019 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। ये प्रत्येक राज्य के समग्र प्रदर्शन का आकलन करने हेतु पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता जैसे कई मापदंडों पर विचार करता है। कई सारे डाटा इसमें जारी किए जाते हैं कि अलग अलग राज्य में मतलब जो कानून व्यवस्था है या जो पुलिस प्रशासन है या न्यायालय की जो बातें आती है कि केस कितने पेंडिंग है, वो बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई जाती है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019-22 के अनुसार कर्नाटक राज्य में काफ़ी इसमें ये देखा गया है कि जैसे कर्नाटक राज्य का एग्जाम्पल देके बताया गया है कि न्याय प्रदान करने के मामले में शीर्ष स्थान पर है, उसके बाद में जैसे तमिलनाडु है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश का स्थान नीचे 18वें स्थान दिए गए हैं, तो ये डाटा इसमें बताए गए हैं। इसके अलावा जैसे आप जानते हो कि भारतीय न्यायपालिका में बहुत सारे केस कितने पेंडिंग रहते हैं, हमेशा चर्चा में रहते हैं, न्यायाधीशों की हमेशा कमी रहती है, तो उसके बारे में इस रिपोर्ट में काफ़ी बताया गया है। आप लिखते हो भी, कई बार ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं उसमें डाटा देके बताते हो कि भारत में इतने केस पेंडिंग है और इतने न्यायाधीशों का मतलब पद खाली है, तो ये आप बताते हो। उसके अलावा यहाँ पे सब बताए गए हैं कि जैसे हम बात करें उस न्यायालयों में औसत जैसे कितने मामले लंबित है, तो उत्तर प्रदेश में मतलब इतने हैं, पश्चिम बंगाल में, सब ये डाटा आप देख लेना एक बार, है ना, ये पढ़ने की चीज़ें हैं जो मेंस में आप इसको यूज़ करोगे।
और भी बहुत सारी इसमें सिफारिश की गई है, कैसे न्यायालय में सुधार करेंगे, कैसे जो पुलिस प्रशिक्षण है, बुनियादी ढांचा है, उसमें सुधार किया जा सकता है, ठीक है, और कानूनी सहायता के लिए क्या किया जा सकता है, कैसे हम जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए क्या किया जाना चाहिए, जो उनकी चुनौतियाँ हैं उनका समाधान भी यहाँ पे बताया गया है। तो मुख्य रूप से ये एक तो प्री में आपके काम आ सकती है, हाँ, कि कौन जारी करता है, ठीक है, और बाकी मेंस के अंदर इसके प्रोविजन है। अच्छा, इसको लेकर 2-3 दिन में देखना आर्टिकल आएंगे, कल भी था और आज भी एक आर्टिकल था। 2-3 दिनों में यदि अच्छा आर्टिकल आता तो मैं अपने सिलेबस में अपने जो वीडियोस में कवर करूँगा, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आया था पहले अभी कि 2018 की प्री में आया था कि विधि का नियम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, तो ये विश्व न्याय परियोजना, तो ऐसा बन सकता है इंडेक्स का। तो ये हमारा लेसन एंड होता है, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, ठीक है, और थोड़े जटिल मुद्दे थे लेकिन ठीक है, आप समझ गए कि कैसे आपको चीज़ों को कवर करना है। और इसकी PDF आप अपने टेलीग्राम पे जाना, ठीक है, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना आराम से, 2-3 बार पढ़ोगे चीज़ें कवर हो जाएगी। और आजकल आपने देखा ना, हमने एक दूसरा टेलीग्राम भी बनाया MCQ का वाला, MCQ में क्या है, केवल MCQ आते हैं डेली, 5-6 बढ़िया क्वालिटी के MCQ, CCET के भी पेजेज में आजकल वहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, तो आप देख लेना, या तो इस टेलीग्राम पे भी लिंक पड़ा है और डिस्क्रिप्शन चेक करना, उस पे भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।